देखिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको बहुत ही बेसिक बात डेयरी के बारे में बता रहा हूँ, जिससे काफी नुकसान हो जाता है लोगों का। जो विभिन्न पशु हैं इनका वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। जैसे भैंस है, अब भैंस जो आपके रिवराइन बफेलो है, जैसे नीली है, रावी है, हरियाणा है, तो ये तो पानी में ही रहती है। इनको पानी अगर ये जोड़ में जाती है तो सब भी इनका पानी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है ये कितना दूध दे रही है। अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो 50-60 लीटर पानी तो पी जाएगी वो, तो उसके मतलब इनके लिए भी चाहिए। बहुत सी गायें होती हैं, जैसे बन्नी है, सुरती है, नागपुरी है या बदावरी है, तो ये तो 2-4 लीटर दूध देती है और ये गाय के संग चरने भी चली जाती हैं, डेजर्ट में भी रह लेती हैं, तो इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। दिन में एक बार पानी दिखा दिया, ठीक है, तो इनका ये काम हो जाता है। अब जो है वो ईस्टर्न इंडिया में चले जाइए, वहाँ पे स्वयं बफेलो हो तो स्वयं में ही रहती है, तो वो अपना कर लेती है पानी। तो ये जाफराबादी है, ये वेस्ट गुजरात से है, ये भी कम पानी में काम चला रहती है। पर ज्यादा जो बफेलो है वो मुर्रा ही है और वो यमुना के किनारे रहती है, यमुना और झेलम के बीच में, और दुनिया में कहीं रहती नहीं है। वाटर बफेलो रिवराइन बफेलो, ये तो बफेलो का किस्सा हो गया। अब गाय में जैसे तीन गाय है, जैसे राठी है, गिरी है, थरपारकर है, डेजर्ट एनिमल है, ये वहीं रहते हैं जहाँ ऊंट रहता है। अब इनको तो लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर में इनका कुछ बहुत अच्छे चलते हैं। इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ये अपने फैट को डिसॉल्व करके कर लेती हैं। अब साहिवाल आ जाइए, साहिवाल जो है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, वो अमृतसर के पास है, वो अमृतसर के उस पार साहिवाल है, तो ये मतलब डेजर्ट एनिमल नहीं है। ये जो इसका साहिवाल का, यहाँ मेरठ में फार्म भी है साहिवाल का, और ये मतलब काफ़ी जगह रह लेती है। ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ईस्टर्न इंडिया में जो है आपके तब भी इसका वाटर रिक्वायरमेंट जो है अच्छा खासा था, 20-25 लीटर दूध वो पानी इसको चाहिए दिन भर में। अब ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर जो है रेडिंग ज़्यादा अच्छी चलती है, और उत्तराचल में भी रेड सिंधी। तो ये तो सब गायों के बारे में हो गया। जो बैल हैं वो जहाँ जहाँ बैल हैं तो वो अपने एरिया के हिसाब से उनका वाटर रिक्वायरमेंट रहता है। पर इसको मतलब डेजर्ट एनिमल और हॉट एंड ह्यूमिड एनिमल को तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अब आ जाइए आप होलस्टीन फ्रीजन जो है, ये तो 50 लीटर भी दूध देती है, 20 लीटर भी दूध देती है, तो इसका पानी का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये अपने फैट को गला के पानी नहीं ले सकती। और ये ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो और ह्यूमिडिटी हाई हो तो ये डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, ये मर भी सकती हैं 40 डिग्री पे और 90% ह्यूमिडिटी पे ये मर जाती है। तो इनका ये लो टेम्परेचर पर इनको 50-60-100-80 लीटर तक ये पानी पी जाती है दिन भर में। जर्सी भी थोड़ा कम पीती है, जितना दूध देती है, मान लीजिए 30 लीटर दूध दे रही है तो 60 लीटर पानी तो पिएगी, 60-70 लीटर। अच्छा जर्सी भी अच्छा पानी पीती है, जर्सी 15-20 लीटर दूध दे रही है तो 40 लीटर पानी पिएगी। तो पानी ताज़ा हो, पानी ठंडा हो, पानी हर वक्त अवेलेबल हो, खुले में आप एनिमल को रखेंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ। अब जैसे पहाड़ में तो ठंड पड़ती है, मतलब काफ़ी ठंडा, तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। मतलब वहाँ भी तब भी जो हाई प्रोड्यूसिंग गाँव पहाड़ में रख रहे हैं, पिथौरागढ़ से लेकर कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो पानी की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाती है। मतलब 40-50 लीटर पानी तो पीते ही है वो। और जो वहाँ की देसी गाय हैं वो मतलब चर के ही मतलब अपना कर लेती हैं गुजारा, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं पानी को हमेशा अवेलेबल नहीं कराते, पोटेंट उसको क्या कहते हैं फ्रेश वाटर को। जब तक फ्रेश वाटर नहीं होगा, और ज़्यादातर 7 महीने तो गर्मी पड़ती है, 5 महीने थोड़ा ठंडा रहता है नॉर्दर्न इंडिया में, और तो भारतवर्ष में सब जगह गर्मी पड़ती है, तो आप पानी के पर ध्यान रखेंगे, पानी में थोड़ा नमक डाल देंगे, पानी को ठंडा रखेंगे, पानी को धूप में नहीं रखेंगे, तो वो जो है पशु आपका ज़्यादा दूध उत्पन्न करेगा और उसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब आपका पशु जो है थोड़ा कर्रा गोबर करने लगे, डेजर्ट में तो करते ही है कर्रा गोबर, पर आपका पशु कर्रा गोबर करने लगे तो उसे फौरन से नमक मैक्सेल्फ और ये पानी दीजिए, तो
तो आपके मिल्क में इजाफा हो जाएगा। बहुत से लोग सर्वेंट पर डिपेंड रहते हैं, जानवरों को बांध के रखते हैं, उनके पानी की कमी हो जाती है और उनको काफी क्षति होती है। तो जितनी भी प्रॉब्लम है सब पानी से ही होती है, वो जो है उसका डाइजेशन पानी पर डिपेंड होता है। मैं आपको ये बता दूं, गाय 150 लीटर जो है सलाइवा निकालती है दिन में, उसको रिसाइकिल करती रहती है। और आप 100 लीटर प्रति गाय के हिसाब से मतलब पानी का इंतजाम रखिए, तो उसको नहलाना धुलाना पीना, 50-60 लीटर तो पी जाइए। आजकल लोग होलिस्टीन और जर्सी रख रहे हैं तो उनको तो 50-60 लीटर पानी चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए हमेशा। तरह आप जो है पानी के टैंक में वो जो फ्लश में लगा रहता है फ्लोट वाल, वो लगा दीजिए वो टंकियों में फ्लश वाल, तो जैसे ही पानी वो पी लेगी वो और पानी आ जाएगा। पानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। मैं डेयरी ओपन करने के लिए मतलब आवश्यक जानकारी भी देता हूँ, 500 रुपये में आपको जानकारी मिल जाएगी, 6-7 दिन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे आप आ जाइए। मेरा टेलीफोन नंबर जो है 8979748686 है। आप इस कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वो 45 मिनट का होता है, 5 दिन का होता है, और आप उसमें सारी जानकारी अपनी हासिल कर सकते हैं, जिससे जितना आप पैसा लगाएंगे उसका आधा ही पैसा इसमें लगेगा। अब काफी पढ़े लिखे लोग इसमें इंजीनियर्स डॉक्टर्स मैनेजमेंट वाले लोग आ रहे हैं, तो वो कोर्स अटेंड कर रहे हैं। आप भी अगर इससे धन कमाना चाहते हैं तो आप इसको इसमें मतलब 4-5 हजार रुपए रोज, जो जो आदमी 100 लीटर पैदा कर लेगा वो 4-5 हजार उसकी इनकम हो ही जाएगी, जो 200 लीटर पैदा कर लेगा वो तो 8-10 हजार रुपए। मैं देख रहा हूँ राजस्थान में काफी लोग हैं जो 200 और 300 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। और वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, इसलिए मतलब डेयरी काफी सक्सेसफुल है। इसी तरह डेयरी सक्सेसफुल इज़राइल भी हॉट एंड ह्यूमिड है, पर वो दे आर दी मोस्ट अबंडेंट मिल्क प्रोड्यूसर, उनकी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है 35 का है। तो आप राजस्थान गुजरात और ये जितना भी वेस्टर्न और यूपी के कुछ पोर्शन मध्य भारत, इसमें आप रख सकते हैं गाय। ईस्टर्न इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ तो मतलब मिल्क कंजम्पशन ही ज़्यादा नहीं है, फिर वो ज़्यादा वो लोग मछली पर डिपेंड होते हैं। पर वहाँ भी आसाम में और बिहार में मतलब लोग रख रहे हैं। आपने सुना, धन्यवाद। मैं अपना टेलीफोन नंबर आपको फिर एक बार रिपीट किया देता हूँ, 8979748686 है। आप कभी भी संपर्क करते हैं। धन्यवाद, आपने सुना।